अध्यात्म और ज्योतिष जगत के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने वाले आप तमाम दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। मैं आपके साथ में देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। दर्शकों, आप सब जानते हैं कि ग्रहों की युति को लेकर के मैं आपके साथ लगातार चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें दो ग्रह, तीन ग्रह, चार ग्रह, पाँच, छः, सात, जब भी कोई ग्रह मिलकर के एक भाव में बैठते हैं उसका क्या फल रहता है। ज्योतिष की भाषा में इसी को युति कहते हैं। इसी युतियों पर आप अपने जन्म कुंडली में देख सकते हैं कौन कौन से ग्रहों की युति हो रही है और उसका क्या फलादेश रहेगा। तमाम इसी सीरीज में मैं आपके साथ लगातार चर्चा कर रहा हूँ। वैसे तो युतिगत संघर्ष जो आधार बनता है वो भाव, राशि और अलग अलग स्थिति परिस्थितियों को देखकर देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी सामान्यतः तो उसका क्या फल रहेगा उस पर मैं लगातार चर्चा कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण मानसागरी के आधार पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है ज्योतिष की। दर्शकों, इसी श्रृंखला में हम अब बात करेंगे चतुर्ग्रही योग को लेकर चर्चा कर रहे हैं और चतुर्ग्रही योग के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध। दर्शकों, यहां पर मैं श्लोक के माध्यम से उसका अर्थ आपको बताने का प्रयास करूंगा। चंद्र चांद्री कुजिर कर्काणाम योगे लिप करो नर तस्करो मुखरो कामी मायावी कुशलो भवे। अर्थात ऐसे व्यक्ति जब सूर्य, चंद्र और मंगल बुध की युति कुंडली के किसी एक भाव में होती है, ऐसे में ग्रहों का योग संयोग व्यक्ति को काफी मुखर बना देता है। यानी व्यक्ति घबराता नहीं है, कोई भी प्रस्तुतियां हो वो मुखरता से बोलता है, स्पष्ट बोलता है। लेखक यानी कुछ लिखने की वृत्ति ऐसे लोगों की हो सकती है, चोर वृत्ति भी कभी कभी ऐसे लोगों में देखा जाता है। काम वासना से घिरे हुए ऐसे लोग होते हैं, माया छल छद्म में भी निपुण होते हैं और अपने कार्य, कोई भी कार्य करते हैं उसमें ऐसे लोगों की दक्षता पाई जाती है। अर्थात ऐसे लोग अपने कार्य में निपुण और कुशल होते हैं।